सेकेंड आपके पास कार्डियोवास्कुलर वस्कुलर डिजीजेस में कौन सा है या कार्डियोवस्कुलर डिसऑर्डर्स में आपके पास है आर्ट्रियोस्किलोसिस आर्ट्रीओ में बेटा क्या होता है कि आर्ट्रियो जो वर्ड है ये एक वर्ड से निकला है कौन से वर्ड से ये एक वर्ड से डिलीवर हुआ है आट्रियोमा जिसका मतलब है फेटी डिपॉजिट्स अब जब भी फेट्स की डिपॉजिट की वजह से एक आर्टरी नैरो होगी तो उसे हम क्या नाम दे सकते हैं आर्ट्रियो और स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग जब भी एक आर्टरी फेड डि की वजह से हार्ड हो जाएगी उसे हम नाम देंगे क्या आर्ट्रीओ स्क्लेरोसिस। होता क्या है बेटे असल में हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास ये एक आर्टरी है कोई भी आपकी आर्टरी है कोई भी ये आप ये ले लें इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पे फेट की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए सॉरी डिपोजिशन शुरू हो जाए और ये सारा का सारा फैट यहाँ पे आके क्या हो जाता है डिपोज हो जाता है तो क्या होगा कि ये जो ब्लड फ्लो करेगा इसमें तो उनके लिए जगह जो है यहाँ डायमीटर जो है वो कम हो जाएगा सही है बेटा तो ये होता क्यों है असल में याद रखे बेटा आपके फ्री रेडिकल्स जो हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स क्या चीज है फ्री रेडिकल्स याद रखे आपके पास ज्यादातर मोस्टली मैं मोस्टली बात कर रही हूं मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही होंगे लेकिन मोस्टली ज्यादातर कैटाइम्स हो सकते हैं एनाइम्स भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्या आपके पास होंगे कैटाइम्स कैटाइंस याद रखें कैटाइंस जितने भी आपके पास है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं क्या होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं अब एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेगा वो कोशिश करेगा कि किसी और चीज़ से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबलाइज कर दे और दूसरे को ऑक्सीडाइज़ कर दे सही है इनमें क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो ये किसी भी चीज़ से कोई भी मॉलिक्यूल होगा कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगी बॉडी में तो उससे क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेके उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे और ख़ुद क्या हो जाएंगे खुद स्टेबलाइज हो जाएंगे खुद क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे अब आपके पास दो किस्म के लिपो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक आपके पास है एल टी एल दूसरा आपके पास है एच डी एल लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन एंड हायर डेंसिटी लिपो प्रोटीन हम बात करेंगे लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स की लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स में होता क्या है बेटा कि असल में यही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये क्या कर देते हैं ये इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद स्टेबलाइज हो जाते हैं और इनको क्या कर देते हैं इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं जब भी लो लिपो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या करेगा ये आर्टीरियल वॉल के साथ क्या कंटेक्ट में आएंगे तो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ये एक आर्टरी है सही है बेटा ये आपकी एक आर्टरी है यहां से ब्लड मूव करेगा जब भी इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये आर्टीरियल वॉल के साथ कंटेक्ट में आएगा तो एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा जब भी एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उससे क्या होगा या हम कहते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा वो यहां पे डैमेज कॉज करेगा जब भी वो यहां पे डैमेज कॉज करना शुरू कर देगा अब आर्टरी के एक साइड पे या एक पॉइंट पे क्या हो गया है कोई भी जगह जो है वो डैमेज हो गया है क्या हो गया है डैमेज और क्यों डैमेज हो गया है क्योंकि लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स ने वहां पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू कर दिया है अब इस बॉडी को पता चल गया है कि जी एक आर्टरी है जिसमें कोई मसला है तो क्या आपका इम्यून सिस्टम आपने पढ़ा था इम्यून सिस्टम आपका फौरन एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं आपको याद होगा वाइट ब्लड सेल्स में हमने क्या कौन कौन से पढ़े थे एक हमने पढ़े थे मैक्रोफेज और दूसरा आपके पास है टीलिम्फोसाइट्स अब ये दो किस्म के सेल क्या करेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स आपका इम्यून सिस्टम सेंट करेगा इसी पॉइंट पे सही है बेटा ताकि ये दोनों सेल्स जाए और वहाँ पे जो डैमेज है उसे रिकवर कर सके लेकिन याद रखे कि ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है आपके पास ये इन वाइट ब्लड सेल्स से प्रोसेस्ड नहीं हो सकते सही है बेटा तो ये क्या हो जाते हैं जो आपके पास मैक्रोफेजेस और ये टी लिम्फो uh, फोसाइड वगैरह भेजे गए हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं वहीं पे रह जाते हैं सही है बेटा वहीं पे क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं वहीं पे आ, वो भी उनके साथ एक आ, क्या बनाना शुरू कर देता है थ्रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है सही है बेटा वो हार्ट सा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते लोलिपो प्रोटीन के खिलाफ तो वहां जाके ये भी मर जाते हैं बस उन्हीं के साथ रह जाते हैं अब आपके इम्यून सिस्टम का क्या काम है बेटा कि उनका सिर्फ ये काम नहीं है कि बस एक बार हमने एक चीज़ बेच दी काम हो गया तो सही है काम नहीं हुआ तो भी सही है ये क्या करेगा कि वाई आपका इम्यून सिस्टम दोबारा से और माइक्रोफेजेस और टी ठीलिम्फोसाइड्स को भेजेगा स्पेसिफिक पॉइंट पे और उनको क्या करेगा उनको ये ऑर्डर करेगा कि इनको क्लियर कर दे लेकिन वो भी उनसे प्रोसेस नहीं होंगे वो भी जाके वही फंस जाएंगे सही है बेटा तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आपका एक यहाँ पे डिपोजिशन शुरू हो जाएगी तो जिसे हम इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि फैट्स का क्या होगा फैटी डिपॉजिट्स होंगे तो इसी यही बात है कि लो लिप लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स की वजह से इतना बड़ा मसला आ गया है और ये क्या स्टार्ट कर देगा ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देगा और ये ट्रिगर कर देगा मोर वाइड ब्लड सेल्स को और वो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा सही है बेटा अब इसकी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं अगर हाई लेवल कॉजेस क्या क्या है कॉजेस क्या क्या है अगर हाई लेवल ऑफ फैट्स है ब्लड में क्या हाई लेवल ऑफ फैट्स इन ब्लड या तो अगर आपके ब्लड में हाई लेवल ऑफ फैट्स है तो हो सकता है कि वो ये कंडीशन जो है कॉज करें इसके अलावा हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन आप जानते हैं क्या चीज है इससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ कि हाइपरटेंशन की वजह से भी आपके पास ये डिजीज कॉज हो सकता है या अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है सही है बेटा तो ये कॉजेज है किस चीज़ की जो स्पेसिफिक डिजीज हैं और ये इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ आर्ट्रियोस्किलरोसिस बाय सेवन टाइम्स सही है बेटा ये एचुस्क्रोसिस के रिस्क को सेवन टाइम्स बढ़ा देता है अब आपके पास प्रिवेंशन क्या है कि आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकती हैं आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकती हैं खुद को तो होगा क्या कि चेंज जो आपके फूड हैबिट्स हैं जो डिफ रोजाना हम खाते हैं उसमें जो फैट्स हों मेन मसला फैट्स का है ना बेटा तो उसमें जो फैट्स हो ये चीज़ें हो तो हम अगर अपने खुराक को चेंज करें एक्सरसाइज करें स्मोकिंग को स्टॉप कर दें और अगर ये चीज़ें काम ना आए तो फिर क्या होगा कि उसका सिंपल मेडिकेशन डिफरेंट मेडिकेशंस है जिससे आर्टियोस्ल्यूरोसिस क्या हो सकता है आप प्रिवेंट कर सकते हैं आप क्योर कर सकते हैं